जी सर, ये एक्चुअली ओमिक्रॉन में जो है, पहले जैसा कोरोना वन और कोरोना टू जैसा नहीं है। इसमें क्या 3 से 6 दिन में इन्फेक्शन कवर हो जा रहा, इसमें ज्यादा डीपली मेडिसिन देने की जरूरत नहीं पड़ रही हम लोगों को, बेसिक्स मेडिसिन से कवर हो जा रहा है। जैसे आज हम लोग बेसिकली जैसे आर्सेनिक है, अकोनाइट है और हमारा एलियम सिपा वगैरह जो बेसिक होम्योपैथिक मेडिसिन है, जिससे 2 से 3 दिन में मेडिसिन से सिम्टम्स पूरे कवर हो जाते हैं। जी सर, पहली चीज तो ये जो ओमिक्रॉन है, इससे ज्यादा डरने घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बेसिकली ये एक किस्म का वायरल है जो हर साल होता ही है, लेकिन इसमें थोड़ा सा एक खतरा जो ब्लड प्रेशर के और ब्लड शुगर के पेशेंट में ज्यादा पाया जाता है, क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम डाउन हो जाता है। तो हम लोगों को प्रिवेंटिव मेडिसिन देते हैं, हम लोग होम्योपैथी में बहुत सारी प्रिवेंटिव मेडिसिन आती है, जिसको 2-4 दिन या 8 दिन या 15 दिन हफ्ता भर पेशेंट की कंडीशन के हिसाब से, पेशेंट के वीकनेस, पेशेंट के स्टेमिना के हिसाब से मेडिसिन देते हैं। फिर देने के 2-4 दिन में प्रिवेंशन के हिसाब से पेशेंट काफी इम्यूनाइज हो जाता है। एक बार इम्यूनिटी पेशेंट गेन कर लिया तो फिर ये जो पेशेंट का जो फियर है, जो बाकी जो सिम्टम्स है, वो नहीं रहेंगे इंशाल्लाह। नहीं सर, बेसिकली जो आपने सवाल पूछा बहुत जबरदस्त सवाल है, क्योंकि विंटर में मैक्सिमम वात से रिलेटेड बहुत सारे केसेस आते हैं, क्योंकि जब भी ठंडी पड़ती है तो ब्लड जो है हमारा क्लाट हो जाता है, गाढ़ा हो जाने की वजह से ये पेन वगैरह बहुत ज्यादा मिलते रहता है। और पेशेंट में कैसा है, प्रॉपर मेडिसिन, प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ मेडिसिन होता है। होम्योपैथी में कैसा सर, हम लोग कोई भी एक पर्टिकुलर मेडिसिन पर्टिकुलर पेशेंट के लिए नहीं देते, पेशेंट के पूरे सिम्टम्स को मैच करते हैं मेडिसिन के साथ में। पेशेंट के सिम्टम्स और मेडिसिन के सिम्टम मैच करके प्रॉपर मेडिसिन देने से 1-2-4 खुराक में या 1-2-3 दिन में रिजल्ट्स आ जाना शुरू हो जाते हैं। मेरे पास तो लगभग 70-80 हज़ार पेशेंट है सर, उन लोगों का ट्रीटमेंट मैं इसी प्रकार से करता हूँ। मतलब सिमिलिया सिमिलिबस क्यूरेंटस बोल के होम्योपैथी के जो फादर है डॉक्टर सैमुअल हैनेमन, उनका ये बेसिक प्रिंसिपल है कि सिमिलिया सिमिलिबस क्यूरेंटर के हिसाब से अगर ट्रीटमेंट दिया जाए तो पेशेंट को जल्दी रिजल्ट मिलना शुरू हो जाता है। बिल्कुल, उसके लिए बहुत अच्छे मेडिसिन है होम्योपैथी में हमारे पास। ऑप्थल्मोलॉजी के लिए रिलेटेड जैसे अर्जेंटम नाइट्रिकम है, हमारी मेडिसिन काफी अच्छी फेमस चर्चित मेडिसिन बेलाडोना है हमारे पास, और भी बहुत सारे मेडिसिन है जो ड्राइनेस ऑफ विजन एक्चुअली होता है, इसलिए है जो कंटिन्यूअस मोबाइल फोन लैपटॉप के कंटिन्यूअस हम लोग उसको जो देखते रहते हैं ना, उसकी वजह से विजन में भी डिमनेस वगैरह का भी प्रॉब्लम हो रहा है, विजन भी लॉस हो रहा है बहुत सारे पेशेंट्स का। वो पेशेंट्स आते हैं वर्क फ्रॉम होम से और पेशेंट की एक्टिविटी स्लो हो जाती है। जो आदमी सुबह शाम ऑफिस जाने वाला है, जिसको आदत है घूमने फिरने की, वो एक जगह बैठे रहने से भी बहुत सारे ना ही आइस का प्रॉब्लम, बाकी डाइजेस्टिव मेटाबॉलिक एक्टिविटी जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी रहती है वो भी बहुत चेंजेस होती है। बहुत सारे पेशेंट्स बहुत सारे कंप्लेंट्स लेके आते हैं अभी, उसके लिए होम्योपैथिक में सर बहुत अच्छी मेडिसिन है और हम लोग मेडिसिन दे भी रहे हैं और काफी डॉक्टर्स भी दे रहे हैं और पेशेंट को विदाउट एनी साइड इफेक्ट्स, मतलब बगैर कोई नुकसान किए, बगैर कोई तकलीफ किए, कम से कम रेट में पेशेंट को बहुत ज्यादा से ज्यादा फायदा हो जाता है। सर मेरे पास तो सबसे पहले स्पेशली हम लोग कई मेडिसिन के ऊपर हम लोगों ने ड्रग रिसर्च किए हैं। हम लोग कैसा है, ड्रग प्रूविंग करते हैं हेल्थी ह्यूमन बींग के ऊपर। मेरे पिछले 12 साल 13 साल का एक्सपीरियंस है कि मैं मेडिसिन को पहले खुद रिसर्च करता हूँ, ड्रग प्रूविंग करके रिसर्च करके फिर पेशेंट्स को देता हूँ। मेरे पास बहुत सारे पेशेंट्स है, लगभग हम लोग मेनली वर्क करते हैं किडनी स्टोन पे, किडनी फेल्यूर पे, जिसकी जैसे अक्यूट किडनी फेल्यूर हो जाती है उन लोगों में काफी अच्छा रिस्पांस है सर। किडनी का जो आजकल आप सुने होंगे किडनी फेल हो गई पेन किलर खाने से लंबे समय तक के, या कोई मेडिसिन के साइड इफेक्ट की वजह से, तो हम लोग को मेडिसिन होम्योपैथी की मेडिसिन से जो क्रिएटिनिन जो जिसका ज्यादा बढ़ गया, किडनी जिसकी एक्यूट स्टेज में फेल हो गई है, तो उसको हम लोग होम्योपैथिक मेडिसिन से काफी हद तक कवर कर लेते हैं। और मेनली हम लोग फिशर फिस्टुला पाइल्स विदाउट एनी सर्जरी हम लोग मेडिसिन देते हैं पाइल्स के लिए, फिशर्स के लिए, किडनी स्टोन्स के लिए और अब्डामिनल डिस्टेंशंस के लिए, गैसेस के लिए। आजकल बहुत कॉमन डिसऑर्डर हो गया वर्क फ्रॉम होम की वजह से, कॉमनली आने वाला प्रॉब्लम जो है सर एसिडिटी है, कॉन्स्टिपेशन है, ये सब हम लोग हमारे वाहिद होम्यो केयर में इसका खास ध्यान दिया जाता है। और हम लोग हर पेशेंट को, जितने मेरे पास पेशेंट आ रहे पिछले 2 साल से, हर एक पेशेंट को एक ऐसी मेडिसिन दिया जाता है प्रिवेंशन के लिए, और एक मेडिसिन हम लोग हमेशा उसकी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए देते हैं, और तीसरी जो मेडिसिन देते हैं जो उसकी डिसीज जिस चीज के लिए वो आया है उसके लिए एक कॉन्स्टिट्यूशनल डोज बोल के बना के देते हैं।